जब आप औकात पार कर लेते हो ना अपनी, तो दुनिया आपको सक्सेसफुल मानती है। ये जो वर्ड है ना औकात, ये हमारे हिंदी में ही होता है, इसलिए लोग बेचारे इंग्लिश में आंसर दे रहे थे, उनसे आया नहीं। लिमिट शिमिट लोगों ने कहा, पर लिमिट स्टेटस वो फील ही नहीं आता जो औकात का आता है ना। दैट इज हर इंडियन को अपनी औकात का एहसास दिलाया जाता है, औकात में रह, वो लड़की तुझसे नहीं पटेगी, औकात में रह। अनूप जलोटा जी को भी किसी ने कहा होगा, पर उन्होंने पार की और आज सब उनकी बातें कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली आपका पर्पस अलग है, आई होप। औकात एक अजीब सा कॉन्स्ट्रक्ट है, हम सबके अंदर वो एक फीलिंग आती है कि मेरी इतनी औकात है और मैं औकात जितना बड़ा सपना ले सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स की जितनी इनकम थी, जिस घर में वो रहते थे, जिस शहर से हम आए हैं, उससे 10-20% ऊपर का मैं सपना ले सकता हूँ, उससे 10 times 20 times का सपना मैं नहीं ले सकता। ये हमारे मन में फीलिंग डाली जाती है बहुत जल्दी से। लेकिन ट्रूली सक्सेसफुल आपको तब मानते हैं लोग, स्पेशली जो यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, आपको तब मानेंगे जब आप थोड़ा सा औकात क्रॉस करोगे। और ये जो IIT का एग्जाम है ना, इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है कि आपने अपनी औकात क्रॉस की एज अ एवरेज स्टूडेंट ऑफ इंडिया। यू नो दैट इज व्हाट इट टेक्स। उस लड़की ने अपनी औकात पार किया, इसलिए आपको वो ज्यादा सक्सेसफुल लगी स्ट्रेट अवे। वरुण ने भी किया, लेकिन वो उसका जन्म उसी घर में हुआ है, उसी लेवल में जन्म हुआ है, उसी लेवल को मेंटेन कर रहा है, थोड़ा इंप्रूव भी कर रहा है शायद, लेकिन इट कैन नॉट कंपेयर टू द औकात। क्यों? और आपकी लाइफ में तो वही 100-200 लोग हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो आपको तब ऊपर दिखेंगे जब आप औकात क्रॉस करोगे। सो दिस एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, दिस एग्जाम इज ऑल्सो अ चांस टू शो कि यू कैन डू इट, यू कैन क्रॉस योर औकात एंड यू कैन गेट सक्सेस, राइट। मैं आपको अपनी औकात बताता हूँ, ये मेरे क्लास 10 के मार्क्स हैं, 76% मेरे मार्क्स आए थे, एंड मेरा घर भी एक मिडिल क्लास घर में हुआ था। अगर आपके पेरेंट्स बिलियनर हैं तो आपके 76 भी आए या 66 भी आए तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को पड़ता था। क्लास 10 में आप कितने साल के होते, 15 साल के होते, ऐसे कुछ अराउंड दैट मच। और मेरे को याद है जब मेरा रिजल्ट आया था 76%, घर पे ऐसे रिलेटिव्स वगैरह, मामा जी वगैरह आए हुए हैं, मम्मी आई हैं, डाइनिंग टेबल पे लोग ऐसे बैठे कोई मर गया है। अंदर आया घर एकदम क्वाइट, चलो कोई बात नहीं, दिलासा देते ना लोग, चलो कोई बात नहीं। फिर एक बड़ी थॉट के बाद मामा जी ने बड़ी इनसाइटफुल बात की, चलो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, कुछ ना कुछ, आई डोंट नो इसका क्या मैं मतलब निकालूं, चलो बेटे कोई बात नहीं, अब जाके सो जाओ तुम। मैं चला गया अपने रूम में सोने, कुछ ना कुछ तो करना है। तो कुछ कर रहा था। मैंने कहा मैं प्लान बनाता हूँ अपनी लाइफ का, क्या करूंगा मैं। उस टाइम ना इंडिया में STD बूथ्स बड़े नए नए आए थे, यू नो STD बूथ आप लोगों को पता भी नहीं है, यंग जनरेशन को STD बूथ क्या होता है, पर हमें अगर यहाँ से पूना फोन करना है तो लाइन में लगना पड़ता था एक दुकान पे लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स के लिए। अब कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं होता था तब, आज तो होते भी नहीं STD बूथ, पता नहीं क्या कर रहा होता मैं, शायद जियो के सिम कार्ड बेचता या। पर मेरे को लगा STD बूथ खोलूंगा मैं, और मैं बहुत अगर स्मार्ट हो गया तो 2 STD बूथ हो जाएंगे मेरे, और अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो 4 खोल दूंगा, तो मतलब लाइफ सेट है। तो अगले दिन जाके मैंने फिर डाइनिंग टेबल पे अपना प्लान बनाया कि मेरा ये प्लान है, मेरे को STD बूथ खोल लें, और मैं बहुत मेहनत करूँगा, 2 से 4 लेके जाऊँगा। देखा लोगों ने मेरा ऊपर नीचे, औकात मेजर हो रही है कि ये सपना बराबर है औकात के कि नहीं। हाँ ठीक है, कर सकता है, ये कर लेना। दैट वॉज द ड्रीम दैट वॉज डिसाइडेड, और जाओ फिर सो जाओ तुम। फिर मैं सोने गया, मैंने कहा यार ये तो बड़ी जोर की औकात का ठप्पा लग गया मेरी पीठ पे, 76% जैसे टैटू करा लिया है, और ये भी हो गया कि अभी तुमने करना क्या लाइफ में, और तुम 15 साल के हो,
और पूरी लाइफ में तुम्हें क्या करना है, एसटीडी बूथ खोलना है, ये तुम्हारा है, इसके बाद कोई तुमसे कभी कुछ नहीं कहेगा, अब सब कुछ तुम्हें करना है, अब तो यही है। मैं कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा कि लोग मुझे मुड़ के दोबारा देखे, नहीं तो मैं वो बन गया जैसे फैमिली में जो कज़न होते हैं ना, जो शादी में जाते हैं तो ऐसे आपके बाकी कज़न, अरे ये देखो ये मेडिसिन कर रहा है, अरे ये इंजीनियरिंग कर रहा है, और तू कितने रसगुल्ले खाएगा। मेरी वो औकात बन रही थी वहां, अरे ये चेंज करना है यार, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो मैंने कहा यार क्या करूं जो ये लोग मुझे एक बार फिर से मुड़ के देखे कि हाँ नहीं यार ये 76% के आगे भी लड़का कुछ कर सकता है, तो खुद से। एंड दैट इज अ बिग डिफरेंस, वन ऑफ द लेसन टुडे। जो भी होगा ना, पेरेंट्स आए हैं आज, ये जिसका भी इस एग्जाम में होगा वो खुद से करेगा। मम्मी चाहे जितनी डांटे लगा ले कि जाओ बेटे पढ़ो, वो जब तक अंदर से नहीं आएगा नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर भी खुद से आएगा कि बॉस मेरी ज़िंदगी मेरे हाथ से निकले जा रही है, कोई नहीं परवाह करेगा। तो मैंने कहा सबसे मुश्किल कॉलेज कौन सा है इंडिया में जहाँ एडमिशन पाना, तो उस टाइम पे इतना कोई इंटरनेट वगैरह भी नहीं था, पर मेरे को IIT सबसे मुश्किल होता है, IIT में तुम करके दिखा दो तो लोग बोलेंगे कि तुमने। तो फिर उसके बाद मैंने IIT की मेहनत स्टार्ट की। मैंने आपको पहले कहा मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, तो मुझे बहुत मेथडोलॉजी से पढ़ाई करनी पड़ी थी। अगर आप बहुत गिफ्टेड हो शायद आपके मन में सारा JEE डाउनलोड हो जाए एक ही सेकंड में, पर मैं तो नहीं था वो, और मोस्ट लोग नहीं होते वैसे। तो मेरे को प्लानिंग से पढ़ाई करनी पड़ी, प्लानिंग से तैयारी करनी पड़ी, और वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। आज तो मेरा काम अलग है, ये मेरा करियर है। वेरी क्विकली बुक्स करता हूँ, फिल्म्स करता हूँ, कॉलम्स लिखता हूँ मैं अखबार में, टेलीविजन पर कभी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में कुछ कुछ करता रहता हूँ। लॉट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स में मैंने काम किया। कई लोग मुझे बोलते हैं आपने कैसे किया इतने अलग अलग फील्ड में, प्लस आप तो इंजीनियरिंग करते थे, कैसे अलग अलग फील्ड में आपने थोड़ा थोड़ा सक्सेस वहाँ पे मिला है आपको। मेरे लिए सेम ही है मेथडोलॉजी, ऑफकोर्स काम अलग है, पिक्चर बनाना और JEE में होना एकदम अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मेंटल प्रेपरेशन सेम है, मेंटल थिंकिंग सेम है, किसी भी चैलेंज को जाके किसी भी चीज़ को ओवरकम करना। और वो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है जो मैं आज आपको समझा दूंगा, जो आपके एक्चुअल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी है उसके लिए यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हैं मेरे बाद, और ज़्यादा वो आपको ज़्यादा बेटर समझाएंगे। लेकिन माइंड को कैसे रेडी करना है इस तैयारी के लिए वो मैं आपको समझाऊंगा, जो शायद स्कूल में नहीं बताया जाता। जो लोग घबरा जाते हैं तैयारी करने से, यार ये तो मेरी औकात के बाहर है, ये तो होगा ही नहीं मुझसे, वो मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, आपका माइंड क्यों कहता है ये, so that you are at least in the right frame of mind when you are going for this, right? एक बड़ा important concept लोग भूल जाते हैं, short effort goals versus long effort goals, ठीक है? Supposing मैं आपको बोलूँ कि अपना कमरा साफ करो, आपको कितनी देर लगेगी? एक घंटा, दो घंटे maximum, चलो बहुत गंदा है तो। आपको मैं बोलता हूँ खाना बनाना है किसी के लिए, कितनी देर लगेगी? दो घंटे maximum, ठीक है? आपको मैं बोलता हूँ बाजार से सब्जी लानी है, एक दो घंटे लग जाएंगे, ले आओगे। ये गोल्स हैं, गोल है कमरा साफ करना, ये करना। आपने गोल अचीव कर लिया, कर लोगे, हाँ सब्जी ले आना, ले आए, गोल अचीव हो गया। पर क्या आज तक आपने ये सुना है कि यार ये आदमी बहुत सक्सेसफुल है, ये कल 3 किलो टमाटर खरीद के लाया? कहते कभी ऐसे? क्यों नहीं कहते? ये भी तो गोल था, आज का काम था टमाटर लाना, टमाटर के बिना कैसे सब्जी बनेगी? पर नहीं कहते, उसे नहीं कहते आपने औकात पार किया, उसे नहीं कहते आपने सक्सेस लिया, क्योंकि ये छोटी मेहनत के काम है। छोटी मेहनत मतलब एक दिन में 2-3 घंटे की मेहनत के काम। ये काम रोज आते हैं, ये काम रोजमर्रा की जिंदगी है, ये सब करते हैं। इसको करने में भी एक अचीवमेंट, ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब आपकी तारीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बोलेगा कि बड़ा सक्सेसफुल आदमी है, क्योंकि ये छोटी मेहनत का काम है। अगर आपको औकात पार करनी है, मतलब अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो इनवेरिएबली काम जो है वो लंबी मेहनत का होगा, ठीक है? अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे IIT की तैयारी करनी है, 3 दिन में हो जाएगी, हो सकता है ऐसे? अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे एक बुक लिखनी है, बस 4 दिन दे दो, हो जाएगा? नहीं हो सकता। मेरे को वेट लूज करना है 10 किलो,
परसों तक हो जाएगा, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये लंबी मेहनत के काम है, और लंबी मेहनत के काम जो है उनको करने का तरीका अलग होता है, वो मैं बताता हूँ कैसे। हम मोटिवेशन की बात कर रहे थे। अगर आपका मन नहीं है कमरा साफ करने का, आपका मन नहीं है खाना बनाने का, सब्जी लेकर आने का, आप अपने आप को क्या कहते हो माइंड में? चल कर ले यार, चल करके खत्म करना, फिर सोएंगे, फिर फेसबुक देखेंगे, फिर टीवी देखेंगे, जो भी है बस करना, खत्म कर। इसे मैं कहता हूं धक्का मार मोटिवेशन। इट इज फाइन, हम धक्का मार मार के अपने आप को मोटिवेट। अगर आपका मन कर रहा है वो काम करने का, वो तो अलग बात है। आई एम सेइंग सपोजिंग आपका मन नहीं है, आप अपने आप को पुश करते हो, धक्का मार मोटिवेशन, दैट्स व्हाट यू डू। इट डजंट वर्क फॉर लॉन्ग एफर्ट गोल्स। यू नो कितने लोग मुझे मिलते कहते हैं, अच्छा बस बहुत हो गया, अब मैं धक्का मारता हूं, अब मैं करता हूं, कल से आईआईटी की तैयारी चालू, मैं कल से 15 घंटे रोज पढ़ूंगा। वेरी गुड। पहले दिन आपने 15 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन आपने 10 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन 5 घंटे पढ़ा, फिर अगले दिन आपने कहा मुझे आईआईटी करना ही नहीं है, ये क्या बकवास है, कैसे लोग जाते हैं वहां पे, क्या उसके बिना कुछ लाइफ में हो नहीं रहा क्या? देखो क्या हुआ, आपके माइंड ने आपके साथ गेम्स खेले, आपके माइंड ने आपके साथ गेम्स खेले और कहा कि तू कट ले बॉस, ये बहुत मुश्किल काम है, ये तेरे बस का नहीं है, तो जीनियस लोग करते हैं। बिकॉज आप धक्का मार स्टाइल लगा रहे हो लंबी मेहनत के काम पे, प्रॉब्लम ये हो रही है। एक और एग्जाम्पल, आप जरूरी नहीं है ये आईआईटी में तो खैर है ही, आप डाइटिंग चालू करो, जस्ट टू एक्सप्लेन द पॉइंट, आज से बस डाइटिंग चालू है, शाम को पार्टी हो गई, गुलाब जामुन आ गए, लोगों ने कहा टेस्ट तो कर लो, बड़ा फेमस, इंडिया के आधे कैलोरीज तो टेस्ट में आ रहे हैं, खा थोड़ ना रहे हैं हम तो टेस्ट कर रहे थे। और फिर अगले दिन सुबह एक्सरसाइज जाना था और ये डाइटिंग मेंटेन करनी थी, पर अरे यार कल रात को पार्टी में मैंने खा ही लिया है, चल अब मैं पराठे खा ही लेता हूं, अब तो खराब हो ही गई है डाइट। यू नो ये क्या है इक्विवेलेंट, आप सड़क पे जा रहे हो और आप कीचड़ में गिर गए, और आपने कहा मैं गिर ही गया हूं तो थोड़ा और लोट लेता हूं, अब मेरी पढ़ाई खराब हो ही गई है, मैं जेई की तैयारी छोड़ अब छूट ही गई है एक हफ्ते से, तो चल छोड़ो अभी मेरे को करना ही नहीं है। दैट इज नॉट वॉट यू डू। आप कीचड़ में गिरते हो और अगर गिर गए तो उठोगे, नहाओगे, नए कपड़े पहनोगे और फिर चल पड़ोगे। दैट इज वॉट अ लॉट ऑफ पीपल कांट डू, बिकॉज दिस इज द लंबी मेहनत में यही करना पड़ता है। ये इतनी देर का काम है कि आपको ये सब सीखना पड़ेगा कि अगर मैं गिरूंगा तो कैसे उठना है, ये छोटी मेहनत में नहीं करना पड़ता। छोटी मेहनत में तो आपको सब्जी लानी है, ले आए हो, ज्यादातर चांस ही नहीं है गड़बड़ होने का। इसमें होगा, आप तैयारी कर रहे हो, कभी कजन की शादी आ जाएगी, कभी इंडिया का मैच आ गया, कभी कुछ आ गया, अब आप बोलोगे मेरा कल खराब हो गया तो आज भी खराब कर लेता हूं। दैट्स नॉट हाउ यू डू इट, राइट? सो दैट इज समथिंग टू अंडरस्टैंड, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट एफर्ट वर्सेस लॉन्ग एफर्ट गोल्स। अगेन दिस डजंट रिक्वायर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नॉलेज, दिस इज माइंड। इन एनी थिंग इन लाइफ ऑलवेज रिमेंबर दिस, कुछ बड़ा करना है लंबी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो दुनिया नहीं मानेगी उसे, और वो लंबी मेहनत करनी है तो लंबी मेहनत करना सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये लंबी मेहनत है, इसी से बिग अचीवमेंट्स आती हैं, इसी से जो आज चीज़ आपको इम्पॉसिबल लगती है, इम्पॉसिबल नहीं होती है वो, उसका सिर्फ ये मतलब है 2 साल की मेहनत है, 3 साल की मेहनत है, राइट? एग्जाम्पल्स, राइटिंग अ बुक, क्लाइंबिंग अ माउंटेन एंड टेकिंग एंट्रेंस एग्जाम, दे आर ऑल सेम एग्जाम्पल्स। टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट एंट्रेंस एग्जाम्स, दिस इज योर स्टेज इन लाइफ। बट जो माउंटेनियर है उसको भी मेंटल प्रिपरेशन वही करनी पड़ेगी, राइट? आप एक फ्लोर सीढ़ी चढ़ सकते हो, लेकिन आप माउंट एवरेस्ट आज नहीं चढ़ सकते, लेकिन अगर 2 साल आपको मैं ट्रेनिंग में लगा दूं शायद चढ़ जाओगे। सेम फॉर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन, आज आप नहीं कर सकते, लेकिन 2 साल आपको लगा दूं मैं सही तरीके से तो कर लोगे। दैट्स हाउ ह्यूमन बींग्स आर, एंड यू हैव टू बिलीव दैट कि ह्यूमन बींग्स ऐसे ही बेटर होते हैं। कोई भी लंबी मेहनत करके ही आगे बढ़ता है, कोई भी ऐसे नहीं है किसी का तुक्का नहीं लग गया कि कोई कहां से कहां पहुंच गया।